हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप देख रहे होंगे इस कढ़ाई की हालत। तो मैं किचन में कोई रेसिपी शूट कर रही थी और मेरी ही गलती के कारण ये कढ़ाई पूरी जल चुकी है। इसमें जो भी मैं रेसिपी बना रही थी वो पूरी तरह से चिपक गई है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम भी कुछ चीज़ बनाते हैं और हमारी ही गलती के कारण कढ़ाई में सामान चिपक जाता है, हम भूल जाते हैं या फ़ोन कॉल्स आ जाता है तो हमें ध्यान नहीं रहता है। तो मेरे साथ भी आज वही हुआ और आप देख सकते हैं कढ़ाई में पूरी तरह से मोटी लेयर जम चुकी है और इसको मैंने निकालने की काफ़ी कोशिश करी लेकिन ये नहीं निकल पाई है। और इसको मैंने एक दो घंटे के लिए पानी में भिगाकर भी रखा था लेकिन ये नहीं साफ़ हुई है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई है। तो यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई को रख दी है और इसमें हम 1.5 बोतल पानी की ऐड कर देंगे। जहाँ तक आपकी कढ़ाई जल चुकी है, कोई सामान चिपका हुआ है कढ़ाई में, वहाँ तक आपको ऊपर तक यहाँ पर पानी ऐड कर देना है। और अब ये पानी हल्का सा गुनगुना हो गया है तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डालने से क्या होगा कि जो ये कढ़ाई में चिपका हुआ पदार्थ है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा। और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे लिक्विड। आप यहाँ पर कपड़े धोने वाला लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, विम बार भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, सर्फ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो है बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर ज़रूर डालें अगर आपके घर में हो तो, इससे बहुत ही आसानी से ये जो चिपका हुआ पदार्थ है ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास में बेकिंग पाउडर ना हो तो यहाँ पर आप 1 पैकेट इनो का ऐड कर सकते हैं। इनो भी बेकिंग पाउडर जैसे ही काम करता है। और यहाँ पर आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। तो जो भी ये मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, इससे क्या होगा कि जो ये कढ़ाई में चिपका हुआ पदार्थ है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा। तो इससे आपको कढ़ाई में ना तो कोई भी लोहे के जूने से रगड़ने की, घिसने की, मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पानी उबल रहा है तो इसमें जो चिपका हुआ पदार्थ है वो धीरे धीरे गलने लगा है। तो लगभग हम 2 से 3 मिनट के लिए इस पानी को बॉईल करेंगे और ये देखिए जैसे जैसे पानी बॉईल हो रहा है नीचे से इसमें पपड़ी निकलती जा रही है। लगभग 2 से 3 मिनट पानी को बॉईल होने के बाद में हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम पानी को हल्का सा गुनगुना होने तक वेट करेंगे। तो ये देखिए लगभग यहाँ पर पानी ठंडा हो गया है और मैं यहाँ पर चम्मच की हेल्प से कढ़ाई में जो भी लगा हुआ पदार्थ है उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से ये निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको छान कर दिखाती हूँ कि इसमें जो भी नीचे पपड़ी लगी हुई थी वो बहुत ही आसानी से निकल चुकी है। ना तो हमें यहाँ पर किसी जूने की ज़रूरत पड़ी है, ना ही इसको घिसने की ज़रूरत पड़ी है, ना ही मांजने की ज़रूरत पड़ी है। तो ये देखिए इसमें जितना भी पदार्थ लगा हुआ था, मोटी लेयर जमी हुई थी, वो अच्छे से निकल गई है। बाकी जो ये हल्का फुल्का लगा हुआ पदार्थ है इसको हम चम्मच की हेल्प से निकाल लेंगे और अब यहाँ पर हम कढ़ाई को साफ़ करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और यहाँ पर मैंने लिया है विम बार। आप यहाँ पर लिक्विड भी ले सकते हैं, सर्फ भी ले सकते हैं। और ये देखिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल जो हमारा जूना होता है बर्तन साफ़ करने का, उसी से मैं यहाँ पर कढ़ाई को साफ़ कर रही हूँ। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको कढ़ाई को चारों तरफ से अच्छे से क्लीन कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ पदार्थ है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने इस कढ़ाई को ना तो ज़्यादा रगड़ा है, ना ही घिसा है, ना ही ज़्यादा इसको मांजा है। जैसे कि हम नॉर्मल बर्तन साफ़ करते हैं वैसे ही मैं इस कढ़ाई को क्लीन कर रही हूँ नॉर्मल जूने से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लोहे का जूना भी इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि लोहे का जूना कम से कम हमें बर्तन में यूज़ करना चाहिए। जो हमारी महंगी कढ़ाई होती है वो लोहे के जूने से ख़राब हो जाती है, उसमें लाइनिंग आ जाती है, निशान पड़ जाते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कढ़ाई धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं चारों तरफ से कढ़ाई को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। चाहे कितनी से भी कितनी पुरानी कढ़ाई हो या कैसी भी जली हुई कढ़ाई हो, आप उसको इस तरह से क्लीन आउट कर सकते हैं। तो कढ़ाई को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब इसको मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ।
तो चलिए इसको हम वॉश कर लेते हैं। और ये देखिए, जैसे ही मैं इसको पानी के नीचे वॉश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी धब्बा नहीं है, कहीं भी जला हुआ निशान नहीं है। और हमारी जो कढ़ाई है वो अच्छे से क्लीन आउट हो गई है। बहुत ही शाइनिंग वाली जो कढ़ाई है, बिल्कुल वैसी ही कढ़ाई हो गई है जैसे हम मार्केट से लाते हैं, वैसी एकदम नई जैसी कढ़ाई हो गई है। तो आपको अगर मेरी ये टिप पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ में। तो जब भी आपकी कढ़ाई इस तरह से जल जाए तो आप टिप को ज़रूर आजमाएं, और आपका जो भी फीडबैक है मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।